Hello guys, welcome back to Rambahu. I'm Nitika Bakshi. This is Rahul Bhatt. Today we are here with a video जिसपे हम react करने वाले Kashmir Files movie में. So as you guys know, if you are watching this channel, you already know that we are Kashmiri Pandits. And actually ये हम जो लोग थे बहुत पहले Saraswat River होती थी एक which used to flow I think in Kashmir के around and we used to stay nearby उसके banks पे. तो इसलिए हमारा नाम Saraswat Brahmins पड़ा था. And then Kashmiri Pandits and we are a part of Kashmiri Hindus. So this is our story that something that happened in 1990 and there was a movie before I think few years back what was the name of the movie? Shikara movie I think jiska bahut hi mixed reaction tha jab hum dekhne gaye the to we got emotional because this was the first mainstream movie jisme hamari story dikhai gayi thi but bahut logon ko pasand nahi aayi aur kuch points aise the jaise ki matlab jo asli hua tha jitna violence hua tha aur क्या हुआ था वो पूरे अच्छे से नहीं दिखाया गया था. फोकस मेरे ख्याल से लव स्टोरी पे डाल दिया था ज़्यादा एंड आई थिंक वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई एंड बट आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड दैट क्योंकि एक मेन स्ट्रीम मूवी जो विनोद चोपड़ा बना रहे हैं मेरे को नहीं लगा था उसमें इतना ज़्यादा और हाँ कुछ दिखाया जाएगा और वो एक कपल के नज़रिए से था तो आई थिंक दैट मेक सेंस. मुझे तो मूवी बहुत पर्सनली अच्छी लगी थी बिकॉज एज अ मैं क्योंकि कश्मीर में पैदा नहीं हुई हूँ मैं जम्मू में पैदा हुई हूँ उसके पहले ही ये सब कुछ हो गया था तो एज अ किड और एज अ अडल्ट मैं पहली बार ऑन स्क्रीन कुछ देख रही थी जो मैंने सिर्फ सुना था मतलब मैं पहली बार उसको बड़े पर्दे पे देख रही थी तो आई गॉट वेरी इमोशनल एंड दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज एस्पेशली इट इज़ अ गुड वे टू मे बी आंसर द क्वेश्चन वेन योर किड आस्क्स यू कि हर कोई बच्चा अपने गाँव जाता है या होम टाउन लाइवलीहुड गाँव बोलते हैं ना जैसे गाँव जा रहे हैं हम लोग होम टाउन जा रहे हैं हम क्यों नहीं जाते हैं मतलब ऐसा होता है ना कि हम कश्मीरी है बट मैं तो कभी कश्मीर नहीं गया हम नहीं जाते हैं वेकेशन पे कश्मीर तो दिस इज द काइंड ऑफ मूवी मे बी शायद वो जब 10-12 साल के हो जाएंगे दे कैन वॉच एंड सी कि हमारे रीजन्स हैं देर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट दैट वाई हाउ वी लॉस्ट इट. So and I think this new movie by Vivek Agnihotri may be depicting the same thing but in a true reality I think kyunki he is known for such things to uska reaction dekhte hain but usse pehle I remember maine apni dadi ka ek video banaya tha video bolo ya short film bolo and she is no more with us but that video became a little bit of famous in social media and then I think Anupam Kher and Vivek Agnihotri they actually saw that movie aur unhone mujhe bola tha ki be part of Kashmir Files and us time mujhe pata chala there is a movie coming up Kashmir Files on Kashmiri Pandits but anyways that is a different story now let's watch the video. 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है. जी कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25. अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस नो एक्सोडस नहीं जेनोसाइड. देखो कौन है कृष्णा रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है हमारे लोग मर रहे हैं सर कश्मीर चल रहा है खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है पंडितों को किसी ने नहीं भगाया वो खुद भागे गवर्नर से मिल गए जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत विनाश मौत मौत के डर से मैं भी कायर बन गया पर मुझ पर फटा था तुम पर नहीं पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया
Azadi is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jangal Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांधकर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े, this is the time for justice, Krishna. क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? Very intense. Oh. I really had to take a moment to, मतलब कि मैं कुछ बोल पाऊँ, to be honest. Very intense. पहली बार, इससे पहले जो हमने शिकारा देखी थी, वो पहली बार हम ऐसा कुछ देख रहे थे कि मैं कश्मीर की स्टोरी ऑन बिग स्क्रीन देख रही थी, but this is another level. स्टोरी और जो वो इतने सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस पुटिंग टुगेदर ट्रेलर में ही इतना अच्छे से डिपेक्ट हो रहा है एंड स्पेशली द एक्टर्स आई मीन दैट क्रिएट्स अनदर लेवल ऑफ मैजिक जब सेम किरदार और सेम स्टोरी जब कोई बड़े एक्टर्स और फाइन आई नॉट से बड़े आई से फाइन एक्टर्स मतलब फाइन एक्टर्स इज इवन बिगर कॉम्प्लीमेंट अनुपम खेर मिथुन चक्रवर्ती इतने सारे जो है आई थिंक विवेक अग्निहोत्री पल्लवी जोशी अमेजिंग आई मीन क्या एक्टिंग है और वो अनुपम खेर का बेटा जो बना है ही इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर वेरी गुड एक्टर सो मतलब क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसमें ट्रेलर में क्या है एंड आई हैड टू रियली रिजिस्ट क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था ये क्योंकि हमारे ऑब्वियसली जो इनको हम फॉलो करते हैं बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स हैं सो दे वर ऑल शेयरिंग दिस तो मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा खुद को देखने के तो आई डिडंट नो कि वो अनुपम खेर का जो बेटा बना है इसमें वो भी इस मूवी में सो आई डोंट नो हिज नेम मतलब आई कांट रिमेंबर हिज नेम बट ही इज टू गुड आई लव हिज एक्टिंग मुझे तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ये मूवी देखूँ बहुत ज़्यादा वो जो वो पूरा मतलब ना छोटे छोटे स्निपेट्स जो वो कश्मीरी पंडित्स का दिखाया है वो जो एक स्निपेट था जिसमें राइस की ड्रम में कश्मीरी एक बंदा छुप जाता है और ऐसा एक चीज़ हुई थी तो क्या हुआ था वो एक ऐसे एक आदमी छुपता है इसमें जब टेररिस्ट आते हैं तो बट उनका जो कोई नेबर होता है वो बता देता है कि उसमें छुपा है और उसमें वो गोली उसको गोली मार के उसी राइस के एक्चुअली वहाँ क्या होता था बहुत सारा राइस उगता था तो आप राइस स्टोर करने के लिए एक ड्रम सा होता बड़ा उस बैरल में डालते थे तो वो बंदा उसी में छुपा था और उसी में मारा गया था दिस स्टोरी इज एंड इट्स वेरी हां ये सर्कुलेटेड अ लॉट इन आवर कम्युनिटी जो जैसे हमारे यहाँ पे जब क्योंकि मैं जैसे जम्मू में पैदा हुई हूँ मतलब ये सब कुछ 1889-90 में हुआ है ये सिर्फ एक साल रहा है कश्मीर में तो जब हम थोड़े बड़े हुए और जब हमें क्वेश्चंस हुए कि वाई आर वी नॉट इन कश्मीर और हम न्यूज़ में इतना क्यों कश्मीर सुनते हैं आप क्या करते थे वहाँ पे आप लोग यहाँ क्यों आए तो बहुत सारे कश्मीरी पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं इसको बिकॉज इट इज़ सो सेंसिटिव कि वो ना बेचारे बोल नहीं पाते हैं अच्छे से जैसे एटलीस्ट फॉर माई पेरेंट्स दे नेवर टोल्ड मी द होल स्टोरीज बट दीज स्निपिट्स जैसे वो राइस बैरल वाला और एक फीमेल के साथ उसको काटा गया था वो यस सो बहुत कुछ हुआ था ऐसा जो ये वाली चीजें है ना वो इतना ज्यादा फ्रेश है उनके दिमाग में कि वो एटलीस्ट बोली गई थी तो ये एक और स्निपिट जो मुझे इसमें वो दिखा प्रोमिनेंट दिखा वो कि लोगों की ऐसे हमें ना कुछ लोग कहते हमारी कम्युनिटी को क्या बोलते थे कि आप लोग इसलिए भागे क्योंकि आपको गवर्नर ने बोला भागने को कि भागो दो तीन महीने के बाद सब सॉर्ट हो गया होगा और ये सुन के जब मुझे कोई ऐसा बोलता तो इतना बुरा लगता है ना
क्योंकि आप मतलब आप जिस घर में रहे हो, जहाँ रहे हो 100 साल 2 साल पता नहीं कितने सालों से हम वहाँ रह रहे थे, और आपको जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिशियन बोलता है कि आप घर छोड़ के चले जाओ सब साफ हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगता है मतलब आपको अगर कोई पॉलिटिशियन बोलते हैं कि घर तुम अपना सब बोरी बिस्तरा चल जल्दी लेके भाग जाओ तो उसके बाद सब 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 सॉर्ट हो जाएगा, आप ऐसा करोगे, आप अपना घर छोड़ के जाओगे? हम तो तब बहुत छोटे, बट अभी जैसे मैंने और राहुल ने अपना एक छोटा सा घर बनाया बैंगलोर में, वी हैव बॉट अ प्लेस जहाँ पे हमारी कोई बहुत पुरानी मेमोरीज नहीं, मतलब हाँ हमारे पेरेंट्स नहीं रहे हैं, हम बस 2 साल से ही रह रहे हैं यहाँ पे, 2-2.5 साल से। ये घर भी अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि तुम जाओ 2 महीने बाद आ जाओ फॉर एनी रीजन, आई विल नॉट बाई दैट थिंग फॉर एनी रीजन फॉर दैट मैटर। मतलब मैं क्यों छोड़ू, ये मेरी अपना कम्फर्ट जोन है, मेरा अपना नौकरी है, मेरी अपनी चाकरी है, मेरे बच्चे का स्कूल है, मेरे बच्चे का करियर है, पूरा सब कुछ मेरा करियर है, मतलब इट्स माय कम्फर्ट जोन, Where the fish will I go? तो ये actually ये मैंने same question अपने father से किया कि आप क्यों भागे, लोग ऐसा बोलते हैं कि गवर्नर ने बोला था, तो dad ने मुझे बताया कि what was our reason? तो हमारे गांव में हम एक लिस्ट लगाई गई थी कि इन किन लोगों को मारा जाएगा, और ऐसी लिस्ट बहुत सारे गांव और अदर गांव्स में भी लगाई गई थी, और वहां पे कुछ लोगों को मारा गया। तो जब हमारे गांव में ये लिस्ट लगी तो बहुत खौफ हो गया, तो जो जिनकी जिनके लिस्ट में नाम था वो लोग रात को एक्चुअली घर से बाहर सोते थे, मतलब छुप के सोते थे ताकि कोई अगर रात, क्योंकि मोस्टली ये अटैक्स रात को होते थे। तो मुझे मेरे फादर साहब ने बोला कि हुआ ऐसा कि ये चीज़ें हो रही थी, मतलब हमारे गाँव में एक्चुअली किसी को मारा नहीं गया था, बट वो डर इतना ज़्यादा था कि लोग बाहर जाके सोते थे रात को, उनको मतलब पता नहीं था लाइफ को मैं कब क्या टर्न आ सकते हैं, और फिर इसी वक्त, और फिर हम लोग, मुझे पता है कि डैड ने बोला था हम वापस ऐसे ना 4-5 बजे वापस घर आते थे छुपते, तो उसी के दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर खौफ फैल गया, बहुत डर फैल गया, और उसके बाद जब देखा कि और लोगों को मारा जाता है सिटी एरियाज़ में, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंशियल लोगों को मारा गया, जैसे टीका लाल जी को मारा गया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इतना खौफ हो गया कि एक बार डैड ने ट्रक बुक कर दी और उस ट्रक में सारा सामान लेके हम निकल पड़े, सारा नहीं जितना वो भर पाए। हाँ जितना भर पाए, मतलब घर समेटना कितना टफ है यार। मेरी दादी अभी भी मतलब मुझे याद है, वो जब तक थी वो उसको ये अपनी गाय हमेशा याद आती थी, हमारे पास गाय थी तो कहती मैंने वो अपनी फ्रेंड जो मतलब कश्मीरी मुस्लिम की फ्रेंड थी एक अच्छी, उसके पास रख दी थी कि मैं आऊँगी कुछ टाइम के बाद जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं आऊँगी और फिर मैं इसको तुम संभाल के रखना, इसको खाना वाना देना, और फिर उससे वो कभी नहीं मिल पाया उस गाय से। तो दैट वाज ऑनेस्टली, ऐसे कोई बोलता ना कश्मीर वापस जाएंगे, मुझे ऐसा कोई भरोसा नहीं, ऐसे कश्मीरी पंडित मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आई थिंक ये टॉपिक इस पे उठाया हुआ है कि वापस जाएंगे, बट मतलब तुम अपनी एक अच्छी लाइफ, अब जो जैसे हमने फिर से बनाया, फिर से जीरो से स्टार्ट किया और अपने तुमने एक अच्छी लाइफ बना ली है, अब ये सब छोड़ के तुम वापस उस जगह पे जाओ जहाँ तुम्हें अपने लाइफ का हमेशा डर रहेगा, ये ऐसा कौन करेगा? और एक और पॉइंट, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना जो हमारी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर है, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ खोया बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो देवर इन देयर अर्ली 30s एट दिस एज 30 यस देवर इन देयर अर्ली 30s व्हेन दे हैड टू लीव एवरीथिंग व्हाटएवर दे हैड बिल्ट टू क्रिएट एंटायरली न्यू विदाउट एनी बेसलाइन। मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने एक छोटा सा घर बनाया होता है फिर हम उसको थोड़ा सा ऊपर करते, उनके पास वैसा कोई बेसलाइन ही नहीं था, उन्होंने नए से सब कुछ जम्मू में बनाया या आधे लोग दिल्ली गए, अलग अलग जगह गए, अब उन्होंने वो बनाया, जैसे तैसे अपनी जवानी पूरी दे दी हम लोग को बड़ा करने के लिए, हम लोग को अच्छे से पढ़ाने के लिए, ताकि हम थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ जिए। डू यू थिंक हम तो चाहे एक पॉइंट पे शायद सोच भी ले, डू यू थिंक दे विल एवर अलाउ अस टू गो बैक टू अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने पूरी जवानी खो दी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी जवानी खो दी और जिसकी वजह से दे हैड टू स्ट्रगल एवरी सेकेंड टू मेक समथिंग फॉर देयर किड्स। होपफुली आगे जाके एक ऐसा टाइम आए जब वहाँ पे सब ठीक हो और हम भी अपना क्या पता एक घर बनाए वहाँ पे, जब हम रिटायर होके वहाँ रहें, सामने लेक हो, बर्फ गिर रही हो, मेरे को यही सपना है। यू वोंट बिलीव, एवरी टाइम आई सी कश्मीर ऑन स्क्रीन, ब्यूटीफुल कश्मीर, आई स्किप अ बीट कि यार इतनी सुंदर जगह है, मैं कभी रह नहीं पाई यार वहाँ पे, मतलब वो एक होती है ना वो ठेस सी वो दिल में, वो है, उसकी वजह से ना शायद मैं और स्ट्रांगली कहती हूँ यार क्या, मतलब तुम मजाक करते हो कभी कश्मीर वापस जाएंगे, बट
मैं खुद वेट कर रही हूँ पर्सनली कि मैं उस स्टेज पे पहुंचूं, मैं ऐसा कश्मीर देखूं जहाँ पे ना मेरे पास एक मौका हो जाने का, मतलब होता है ना एक, जैसे बोलते हैं वी हैव मेड अ हॉलीडे होम इन आवर होम टाउन नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी. आई एम नॉट श्योर व्हेन दिस मूवी इज कमिंग, आप लोग बताओ कॉमेंट्स में. yes. देखेंगे उसके बाद क्या पता, वी कैन गिव वन मोर एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ द मूवी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.